very happy to have you with us ma'am थैंक यू सो मच फॉर फॉर इन्वाइटिंग मी ओवर आज की इस पॉडकास्ट में हम लोग पर्टिकुलरली बात कर रहे होंगे विमेन पोर्ट्रियल बाय मीडिया और जहाँ तक पाकिस्तानी ड्रामाज के इन जनरल हम हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ के ड्रामाज भी हैं उनकी भी बात करें तो वो एक ख़ास क्लास की खुतिन के लिए भी बनाए जाते हैं जैसे कि मिडिल क्लास यंग वेमेन के लिए जिनको ये बताया जाता है कि ये एक सर्टन सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं सबसे पहले तो अगर मैं रिपोर्टिंग के ज़ोन में आऊँ हम एंटरटेनमेंट पे तो बाद में जाएंगे अगर आप रिपोर्टिंग में आए तो अनफॉर्चुनेटली रिपोर्टिंग में मुझे बल्कि सब कोई फैक्चुअल रिपोर्टिंग की शदीद कमी नज़र आती है मसलन आप औरत मार्च की मिसाल ले लें मैं हर दफ़ा बात करती हूँ अल्लाह दिस इज़ मुक़दस मजीद एंड आई वेलकम यू टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ नए ख्वाब पॉडकास्ट बाई शिरकत गिस सेंटर आज हमारे साथ मौजूद हैं मिज नबीहा शहराम जो कि एक सोसिलॉजिस्ट हैं एक्डेमिशन हैं और एक राइटर हैं एंड आई एम वन ऑफ़ आर स्टूडेंट्स एंड वेरी हैप्पी टू हैव यू दस मैम थैंक यू सो मच मुगदर्स फॉर इन्वाइटिंग मी ओवर यू नो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू और एक टीचर के लिए इससे बड़ी मोमेंट ऑफ़ प्राइड नहीं होती जब वो अपने स्टूडेंट्स को इतना सोसाइटी में एज अ चेंज एजेंट देखे और यू नो वन ऑफ दोज थिंग्स जो कि हम सिर्फ क्लाब चेंज की बात करते हैं हम कंस्ट्रक्टिवज़म की बात करते हैं हम इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं और जब आपका कोई स्टूडेंट आगे बढ़ कर ये काम कर रहा हो तो मेरा ख्याल है कि दिस इज़ दी अचीवमेंट यू नो दिस इज़ समथिंग दैट कीप्स मी गोइंग एज अ टीचर थैंक यू सो मच मैम सो ऑडियंस आज की इस पॉडकास्ट में हम लोग पर्टिकुलरली बात कर रहे होंगे वेमेन पोर्ट्रियल बाय मीडिया और उसके साथ साथ हम लोग इम्पैक्ट्स ऑफ मीडिया ऑन वेमेन पे भी बात करेंगे मैम जेंडर स्टडीज़ की एक्सपर्ट भी हैं जेंडर इश्यूज पे भी काम करती हैं डेली टाइम्स और बीबीसी से भी कनेक्टेड हैं सो सबसे पहले तो मैं uh, मेरा आपसे सवाल ये है कि मैम आपको किस चीज़ ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि आप जेंडर ईशूज़ पर काम शुरू करें और आपने मतलब मीडिया के मुख्तु प्लेटफॉर्म्स के साथ भी जेंडर से लिंक uh, करती मुख्तु डायमेंशनस पर आवाज़ उठाई है मुख्तु चीज़ों को हाईलाइट किया है तो क्या इसके पीछे एक पैशन था या क्या ड्राइविंग फोर्स थी सो ओके ऑनेस्टली मेरा ख्याल है कि जैसे जैसे ज़िंदगी में आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है uh, सबसे पहले तो बहसीत औरत uh, जब आप सोसाइटी uh, में रहना शुरू करते हैं फिर उसके बाद सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आई एम अ मदर ऑफ़ फ़ोर डॉटर्स मेरी चार hmm. बेटी हैं और uh, फिर आप एक लेंस से नहीं आप हर एक उम्र के लेंस से आप अपनी बच्चियों के लेंस से देख रहे होते हैं फिर आप पढ़ाना शुरू करते हैं आप अपने स्टूडेंट्स के लेंस से देखना शुरू करते हैं चीज़ों को सो उसके बाद ऐसा नहीं है कि यह कोई ऐसी कोई किताबी बात थी जिसको देख के मुझे लगा या कोई बाहर की रिसर्च देख के लगा या कोई स्टिस्टिक्स देख के लगा नहीं नहीं यकीन करें ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो छोटी, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको आप ऑब्जर्व करते हैं आप ग्रास्प करते हैं और आप समझते हैं फिर आप कहते हैं कि नहीं इस पर, इस पर भी बात होनी चाहिए इस पर भी बात होनी चाहिए इस पर भी बात होनी चाहिए क्योंकि मुझे और फिर यू नो यहाँ तक है फिर मेरा जो पीएचडी का थीसिस है वो भी जेंडर इक्वल अपॉर्चुनिटी के ऊपर है कि और जो औरतें हैं उनको अपने करियर में क्या बैरियर्स ज़्यादा फेस करने को मिलते हैं सो तो ऐसा नहीं है कि कोई इसमें कोई बहुत ही लगाबंदा फार्मूला है बल्कि मेरे नज़दीक तो ये था कि जैसे जैसे ज़िंदगी पे बहसीत औरत और बहुत सारी वो औरतें जिनका एक एक्सपीरियंस मेरा एक्सपीरियंस बन गया और उसकी वजह से फिर इसलिए मैंने डेली टाइम्स के साथ बहुत ज़्यादा जेंडर इश्यूज़ के ऊपर लिखा रेप है उसमें इंसेस्ट रेप शामिल है हरासमेंट शामिल है चाइल्ड प्रिवेंशन अब्यूज़ शामिल है बहुत सारी चीज़ों पे काम किया पहचान के साथ आई एम स्टिल ऑन दर मैनेजमेंट बोर्ड वी आर वर्किंग फॉर दी प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ और अ मदर चाइल्ड हेल्थ केयर पर भी काम कर का रहे हैं यूनिसेफ के साथ एक कोलेबोरेटेड पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट था तो उसमें आई वॉज डूइंग दी कॉन्टेंट एनालिसिस ऑफ मदर चाइल्ड वी के औरतों को हेल्थ एक्सेस करने में क्या बैरियर्स होते हैं तो उसमें वो पूरे पाकिस्तान का डेटा फिर स्टडी करने को मिला जिसमें फाटा के पी के लाहौर पंजाब सारे आपके प्रोवेंसेस शहर से सारी जगहें शामिल थी तो देर आर सो मेनी थिंग्स विच एडिक टू इट सो मेनी थिंग्स क्योंकि ये बात कोई एक बात नहीं है ये दो जमा दो चार वाली बात नहीं है ये इतनी मल्टी लेयर्ड है hmm. कि आर्किलॉजी एक आर्क्योलॉजी की तरह आपको बड़ी ध्यान से आप खुदाई करते चले जाते हैं और आपको अंदर तक बहुत सारे इसके तहों में छुपे हुए बहुत सारे फिनमिनाज नज़र आते चले जाते हैं और मैम बीइंग अ जर्नलिस्ट आप क्या देखती हैं वेमेन पोर्ट्रियल बाय मीडिया वो किस तरह से है ऑल राइट सो यू नो मेरे जर्नलिज्म के लेंस में मेरा सोशालोजी uh, का भी एज अ सोशॉलॉजिस्ट मेरा लेंस बहुत ज़्यादा शामिल है बिकॉज आई रिलेट मोर माई सेल्फ एज अ राइटर रादर देन बींग प्रसिंग जर्नलिस्ट क्योंकि मेरा किसी अखबार की ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है सो आई डू राइट बट एज अ फ्री लांसर तो और ज़्यादा काम जो है वो मेरा रिसर्च बेस्ड के ऊपर होता है तो आई लुक एट डीज थिंग्स तो मैं बहुत जनेरिक नहीं देखती लेकिन मैं तो उसको एक एज अ तो सोशॉलोजिस्ट भी देखती हूँ और मीडिया के पोर्ट्रेल में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो अगर मैं रिपोर्टिंग के जोन में आऊँ हम एंटरटेनमेंट में तो बाद में जाएंगे अगर हम रिपोर्टिंग में आएँ तो अनफॉर्चुनेटली रिपोर्टिंग में मुझे बल्कि सब कोई फ़ैक्चुअल रिपोर्टिंग की शदीद कमी नज़र आती है आ, मसला आप औरत मार्च की मिसाल ले लें मैं हर दफ़ा बात करती हूँ औरत मार्च को किस तरह से पोट्रे किया जाता है आप फैक्चुअल रिपोर्टिंग ये है मैं नहीं कह रही कि आप उसकी हिमायत करें मुखालफत करें आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फैक्चुअल रिपोर्टिंग आप ये बता रहे हैं कि इस तारीख को इस दिन औरतों को आलमी दिन मनाया जा रहा है इतने ग्रुप की खातें आती हैं एहतजाज करती हैं इसमें टरप्रनोर भी शामिल हैं किसान भी शामिल हैं माइनॉरिटीज़ भी शामिल हैं हम मुख्तलि सेक्शंस को दिखाएँ नहीं नहीं हम जो देखते हैं जो मेरे स्टूडेंट्स देखते हैं जो क्लास में आते हैं मेरे से सवाल करते हैं वो एक कोई ख़ास एक चार्ट पेपर पकड़ लिया जाता है उसके ऊपर बार बार कैमरा जाता है आता है कैमरा जाता है आता है फिर उसके उस एक चार्ट पेपर को लेके अपने सारा मैनीफेस्टो छोड़ दिया सब कुछ छोड़ दिया आप एक उसको लेके फिर आप पूरा टॉक शो उस पर बिठा देते हैं और ऐसी सेंसेशन क्रिएट की जाती है कि लगता है कि बस इस इससे बड़ा दुनिया में कोई मसला नहीं था और बाकी सारे मसले ख़त्म हो गए हैं दिस इज़ नॉट फैक्चुअल रिपोर्टिंग दिस इज़ सेंसेशनल रिपोर्टिंग एंड दिस इज़ येलो जर्नलिज़म तो इतनी ओवरलैप हो गई हैं चीज़ें अच्छा इसी तरह अखबार में अगर आप रेप की खबर उठा के देख लें अब जाकर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के काम है जिनका शिरकत का का, का कभी बहुत काम है वायलेंस और रेप और इस किस्म के सारे औरतों के ख़िलाफ़ जितने जरायम होते तो तशद उद्योग काम करने में अक्स का बहुत काम है तो अब जा कर एक लफ्ज़ इज़्ज़त लूट ली गई भाई इज़्ज़त तो उसकी गई जो जुर्म कर रहा है हुँ. ना कि विक्टम को आप ब्लेम करें कि वही इज्जत से महरूम हो गए अब जा कर कहीं रेप का लफ्ज़ नजर आता है अच्छा उसमें भी आप देखें कि रिपोर्टिंग ऐसे होती है कि रात के इतने बजे तनहा सड़क पर इतने साल की दो चीज़ा मतलब वो तो ऐसे लगते हैं जिससे कोई उसको इतना एक अजीब सी कहानी बनाई जाती है तो फिर आप उसका अंजाम देख लेंगे फिर आप जब रिपोर्टिंग के बाद अब आप आएँ माइंड सेट के ऊपर फिर पॉलिटिशन इसीलिए टी वी पे चैनल्स पर बैठ के फिर इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं इन्हों कभी औरतों के बारे में कह दिया जाता है कि आ, फलाने ने औरतों की तरह चूड़ियाँ तो नहीं पहनी हुई हैं कि आप, आप ख़ुद ही औरत है और आप ये बात कर रही हैं कि जी आ, जो चूड़ी पहन लेने से कोई कम ताकतवर बन जाता है या कोई बैठ के कोई शख्स जो है ना वो रेप को ग्लोरीफाई कर देते हैं कोई कह देता है जी इनके ये ऐसे कपड़े पहन रहे हैं इसलिए दुनिया में सारी तबाहियाँ आ रही हैं या आ, पुलिस का जो है ना आकर कह देते हैं एक सीनियर अफसर कि जी ये वो क्योंकि वो गाड़ी पे गई थी तो इसलिए इनके साथ ही साना मोटरवे पेश आया तो पहले तो आप आ जाए रिपोर्टिंग पे जो कि आपका माइंड सेट तय कर रहे हैं फिर उसके बाद आप आ जाए इंटरटेनमेंट के ऊपर तो इंटरटेनमेंट के ऊपर आप सारे ड्रामे उठा के देख लें जो जितना हीरोइन पहली किस्त से आखिरी किस्त तक वो रोती रहती है True. जो जितना ज़्यादा रोती है उसका इतना ही ज़्यादा हमदर्दियाँ होती है आम के दिन में अच्छा जो विलन का कैरेक्टर है ख़ातून में वो दिखाएंगे कि वर्किंग है बहुत मॉडर्न कपड़े पहनती है बड़ी कॉन्फिडेंट है यानी कि तो जो पैसविटी मजलूम होना एक बहुत अच्छा ट्रेट है हमारे यहाँ औरतों के लिए और कॉन्फिडेंट होना वोकल होना एक बहुत नेगेटिव ट्रेट है ये अच्छी लड़की और ये बुरी लड़की है तो वो आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगा एज्म शदीद नज़र आएगा आपको ऑब्जेक्टिफिकेशन शदीद नज़र आएगी बेहद प्यारा लगना है एक सर्टन एज़ है एक खास एज ग्रुप की ब लड़की के लिए ड्रामा बनेगा चाहे हीरो पचास साल का हो जाए साठ का हो जाए मैं किसी की भी एज की बात नहीं करी पर औरत के लिए हर जगह एज शिमिंग बहुत ज़्यादा है आ, तो वो जो है मेरा ख्याल है उसकी एक्टिंग से ज़्यादा उसकी लुक्स को देखा जाता है बिकॉज वी कॉन्ट अंडर माइंड के बहुत प्राइवेटाइजेशन और कमर्शलजम का ज़माना है सो दे नीड दे टू वेमे आर द बिगेस्ट टारगेट ऑफ़ दैट दे आर ऑब्जेक्टिफाइड फॉर द कमर्शल रीजन देर इमेजेज़ आर सेक्शुअलाइज फॉर दी कमर्शल रीजनज नॉट इट इज़ नॉट एम्पावरमेंट सो यू नो दे आर ऑब्जेक्टिफाइड फॉर कमर्शलाइजेशन तो एम्पावरमेंट तो कहीं पे भी नज़र नहीं आती है इस चीज़ में और जहाँ तक पाकिस्तानी ड्रामास के इन जनरल हम हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ के ड्रामास भी हैं उनकी भी बात करें तो वो एक ख़ास क्लास की खुतिन के लिए भी बनाए जाते हैं जैसे कि मिडिल क्लास यंग वेमेन के लिए जिनको ये बताया जाता है कि ये एक सर्टन सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं ये हों तुम्हारे अंदर तो एक बड़ा अमीर कबीर लड़का तुम पे फ़िदा हो जाएगा चाहे तुम एक बस होस्टेस हो या कुछ भी हो और वो स्टोरी को उस तरह से ले चलते हैं कि लड़कियाँ बहुत सी फैंट सीज इस सबसे जोड़ लेती हैं वो सर्टेन उन वैल्यूज़ पे काम शुरू करती हैं अपनी ज़िंदगी खुद नहीं बनाती बल्कि वो किसी शहजादे के आने के चक्करों में बैठी रहती हैं तो एक ये चीज़ मैंने खुद भी अपनी एज ग्रुप की लड़कियों में देखी है जो कि उन ड्रामा से उन्होंने पिक की हुई है और दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बहुत अर्ली एज में आपकी शादी होगी और शादी के बाद आपने मीडिया में जर्नलिज्म में फिर रिसर्च वाली साइड पे आपने अपना एक करियर बनाया है और बहुत सी चीज़ों को एक साथ लेके कर चली हैं और 20 इयर्स की एज में आपका फर्स्ट बेबी भी था तो हाउ कुड यू मैनेज एवरीथिंग और ये इतना मोटिवेशन कहाँ से आया जहाँ पर लड़कियों को सिखाया जाता है कि एक मर्द लाइफ में आ गया हस्बैंड आ गया लाइफ इज़ ओवर लाइफ इज़ कम्प्लीट अब बच्चे संभालो एंड एंड दैट्स ऑल तो आप में ये मोटिवेशन कहाँ से आया कि अब मुझे अपने करियर भी बनाना है ओके okay. सो so, सबसे पहले तो मैं एक औरत के लिए ना एक रखे हुए सोशल कंस्ट्रक्ट की बात करूँगी कि उसके लिए ना हर चीज़ का एक एक सही सांचा बनाया हुआ है ये सही वक्त है ये सही वक्त शादी का ये सही वक्त बचेगा इसके बाद ऐसे जैसे शेल्फ लाइफ है इसके बाद वो ओवर एज हो जाएगी सो मुझे तो 20 साल की उम्र में भी यही लगा कि जैसे मुझे कि जैसे मैं बहुत बड़े यू नो एक सोशल कंस्ट्रक्ट की बात करी कि यही लगा कि नहीं नहीं, नहीं अगर आस पास के माहौल से लगा कि नहीं नहीं इसी वक्त यही इसी वक्त सब की शादियाँ हो जाती हैं इसी वक्त ही सेटल हो जाते हैं सो इट वॉज नॉट मीट आप सेटलमेंट और आपकी उम्र और आपकी हर चीज़ Uh, जो है ना वो आपके आपके आसपास की सोसाइटी का मोल्ड डिसाइड कर रहा होता है कि आपको कब किस वक्त क्या करना चाहिए विच इज़ दी अप्रोप्रिएट टाइम तो या आई गॉट मैरिड एट अ यंग एज और मैं जो है पढ़ रही थी और मेरे जो है जो टीचर्स हैं दे आर विटनेस टू दैट कि आई वाज एक्सपेक्टिंग जब मैं यूनिवर्सिटी आती थी और मेरी बेटी भी मेरा मास्टर्स का फर्स्ट ईयर था जब वो पैदा हुई है और उसके बाद मैंने अपना थीसेज और सारा कुछ उसके बाद कंप्लीट किया ये द कन्विक्शन वॉज देयर Uh, मुझे लगता है इसमें टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है mm -hmm. हमेशा से एज अ स्कूल स्टूडेंट आई हैव आई ऑलवेज हैव बीन इंकरेज बाय माय टीचर्स कि कि हमेशा से उनको ये लगता था कि देर इज़ अ स्पार्क देर इज यू नो देर इज समथिंग अबाउट मी दैट आई नीड टू एक्सप्लोर दैट आई नीड टू डू और वो फिर जो होता है ना इन द सेकेंड थिंग इज दैट यू स्टार्ट यू नीड टू स्टार्ट हैविंग फेथ इन योर ड्रीम आपने अपने लिए सोच रहा होता है कि मैंने जिंदगी में कुछ करना है हैविंग दैट फेथ इन योर ड्रीम हैविंग दैट सपोर्ट पेरेंटल सपोर्ट में जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि आप एज पेरेंट बच्चे को चौबीस घंटे नेगेटिव लेबल ना करें mm -hmm. कि वो बैशिंग नहीं करें सो so, हाँ वो मुझे वो बैशिंग या नेगेटिव लेबलिंग मुझे कभी नहीं मुझे अपने इर्द गिर्द लगी तो वो जो कॉन्फिडेंस था टू हैव फेथ उसने मुझे बहुत हेल्प किया सो आई डिड माई मास्टर्स और उस वक्त मेरे आसपास जितने क्लास फेलोज थे कुछ और भी बाहर के लोगों को लगता था कि हाँ बस अब शादी हो गई तो जो अभी भी, भी जाके घर संभालो और बच्चे हो गए हैं एका दफ़ा मैंने दोबारा इन फिल्म में दाखिला लेने की कोशिश की तो पहले एक बच्चा फिर दूसरा और फिर यही नहीं समझ आती थी कि ऑफकोर्स हमारे यहाँ भी पब्लिक सेक्टर में फैसिलिटीज़ बहुत साथ डिवेलप हुई हैं तब डे केयर सेंटर नहीं था आई डोंट नो कि मुझे कैसे वापस आना है बट ये ज़रूर था कि आई एम एन इंडिविजुअल एज वेल एंड आई

अपनी पढ़ाई को दोबारा से कम्प्लीट करने के लिए यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया और अब बायदा वे उस वक्त मेरे बच छोट बच्चे थे बेटी मेरी छत प्ले ग्रुप में थी तो मैंने टाइमिंग और वो चीज़ें वो पिकअप की जिस वक्त मैं उसको पिक एंड ड्रॉप दे सकती हूँ सो so, बहुत मजाक उड़ा ऐसा नहीं है लोग आसपास पास फ्रेंड्स सोशल सर्कल सब कहते थे अच्छा पढ़ने की उम्र में शादी कर ली और जो बच्चे पालने की उम्र में अब उसमें पढ़ना शुरू कर दिए सारे काम उल्टे पुलटे टाइम पर तो या क्या कर लोगे अच्छा तो तुमने क्या पी कर लेनी है पढ़ के तो बस मेरा ख्याल है कि आप चीज़ों से ना इतना इफेक्ट मत हो यू नीड टू नो कि आपने करना क्या है जस्ट ए फोकस्ड और इतना रिजेंटमेंट भी ना आए कि चीज़ों के पता गुस्सा भी करने की ज़रूरत नहीं है वो जो कह रहे हैं वो वही कह रहे हैं जो जो वो सो जिस जितना जिस हद तक वो सोच सकते हैं सो येस आई स्टार्ट डूइंग दैट अच्छा एक सवाल जो मैं सब लोग करते सपोर्ट एक चीज़ मैं सब लड़कियों को बताना चाहती हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी अपनी बेटियों को भी सबको और वो ये कि सपोर्ट यू हैव टू विन द सपोर्ट सपोर्ट पहले दिन से नहीं आती है ऐसा नहीं होता है कि जैसे ड्रामों में दिखाते हैं कि आपकी सब चीज़ें पैक करके आपको खुद इट नेवर कम्स लाइक दिस सपोर्ट आपको विन करनी पड़ती है आप वो काम करते हैं उस काम का एक खास एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है आपकी सराउंडिंग पे एंड देन यू विन द सपोर्ट चाहे वो आपको विद इन योर हाउस होल्ड सपोर्ट हो चाहे वो आपके घर से बाहर की सपोर्ट हो यू कम इन टू दैट रोल यू हैव टू विन दैट सपोर्ट पहले दिन से नहीं आती और किसी के लिए भी नहीं आती है ऑब्स्टिकल्स होते हैं बैरियर्स होते हैं सो so, अच्छा उसके बाद जब पढ़ना शुरू किया तो मेरे ख्याल है सबसे ज़्यादा फायदा तो उससे सबसे पहले इमीजिएटली आपकी अपनी फैमिली को होता है आपके स्टूडेंट्स को होता है तो एज अ स्टूडेंट आई वॉज़ अ टीचर फर्स्ट आई बिकेम अ स्टूडेंट विद यू नो दैट एज ग्रुप दस बारह साल छोटे बच्चे थे मेरे से और फिर उसके बाद यू नो विद इन थ्री फोर ईयर्स देन आई बिकेम द टीचर एज वेल तो दोनों तरह से लर्निंग होती है और आप दोनों तरह से सीखते हैं कमिटमेंट होनी चाहिए रिजिलियंस होनी चाहिए जैसे मैम मीडिया से भी ताल्लुक़ रखती हैं और वैसे आप सोशियोलॉजिस्ट भी हैं सो so... Uh, I am also a sociologist and we see media as an agent of socialization. और अभी भी हमने डिस्कस किया कि किस किस तरह से ये इम्पैक्ट करता है हमारी यंग वूमन को और आपने अभी एक पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट किया दैट uh, एक औरत एक इंडिविजुअल भी तो होती hmm. है तो आप क्या समझती हैं कि हम uh, करंट जो पोट्रेयल uh, है या मीडिया की अभी जिस जिस तरह से चाहे वो रिपोर्टिंग है या फिर एंटरटेनमेंट है तो हम uh, अभी क्या बेबी स्टेप्स ले सकते हैं या हम किस तरह से बेहतरी की तरफ जा सकते हैं कि हम औरत को एज़ इंडिविजुअल उसका जो स्टेटस है उसको बिल्ड कर सकें ओके okay. सो so, औरत के मामले में एक चीज़ है कि जहाँ पे आपको नजर आता है कि वो अपना ख्याल रख रही है तो या वो ख़ुद कुछ करी है तो उसको बहुत सेल्फिश समझा जाता है उस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता है जैसा मैंने कहा कि एजिज्म भी औरतों के लिए सो यू नो एक मेरा क्लास फेलो है तो वी वी बोथ एक दर वज अ टाइम के वज क्लासो जी जूनियर टू मी तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट था जिसको उन्होंने मेरे बाद में ज्वाइन किया सो यू जो मेरे सी कोलीग थे जिन्होंने कहा कि ओ हो भाई इनको भी काम समझा दीजिएगा मैडम ये बच्चा है तो फिर सोचा कि हाँ यू नो तो फॉर द सोसाइटी वो तो बच्चा है लेकिन मैं आंटी हूँ क्योंकि मेडलीजूँ ले लेकिन मेरी उम्र का आदमी जो है ना वो तो भी वो भी स्टैग है वो भी बच्चा है सो so, सबसे पहले तो वॉट वी नीड टू डू के मीडिया के अलावा अपने घर में भी अब अपब्रिंगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है।, uh, है आप कैसी अपब्रिंगिंग कर रहे हैं आप बचपन से उसके दिमाग में डाल रहे हैं बॉयज विल बी बॉयज हाँ ये तो चीज़ें तोड़ देगा क्योंकि लड़का है ये तो गाड़ी से तेजी चलानी है आप उसको लॉ अबाइड करना नहीं सिखा रहे आप उसको तमीज़ से बैठना नहीं सिखा रहे आप उसको लोगों की इज़्ज़त नहीं करना सिखा रहे इसका ताल्लुक उसकी जेंडर से नहीं है उसका ताल्लुक उसकी सोशलाइजेशन से है जो उसको घर में प्रोवाइड की जा रही है सेम इज़ द केस लड़कियों को यू नो द बाउंड्रीज़ नीड टू बी देयर द वैल्यूज़ नीड टू बी देयर लेकिन आप उनको क्या सिखा रहे हैं सिंड्रेला की कहानी के प्रिंस शामिंग आएगा तो उन, उनको बचाएगा uh, या आप उन्हें बता रहे हैं कि नहीं यू you नो know, आप आप ख़ुद भी एक इंसान है आप इन ये भी जिम्मेदारियाँ भी ज़िंदगी का हिस्सा है पर इसके अलावा वो एक इंसान वो, वो एक वो एक इंडिविजुअल भी है आ, हमारी ज़ात के बहुत सारे खाने होते हैं तो वो इंडिविजुअल होना भी एक बहुत बड़ा खाना है अपने आप को एक्सप्लोर करना भी एक बहुत बड़ा खाना है मीडिया के पोर्ट्रेल पे अगर आप बात करें कोई कहानी उठा के देख लें एक लड़की जो है ना उसके पीछे दो एक लड़का होगा उसके पीछे दो लड़कियाँ होंगी एक विलन होगी एक अच्छी लड़की होगी एक बुरी लड़की होगी और बस अल्टीमेट हैप्पी एंडिंग यही है कि उसको हीरो मिल जाता है बिल्कुल अच्छा और सारा वक्त जो जोर है ना कि वो बहुत मासूम है वो बड़ी स्टुपड है तैयार बस सो तो आप वही चीज़ें इंकल्केट कर रहे होते, है। आपको होते हैं आपको अंदाज़ा नहीं होता लेकिन मीडिया के लिए कहते हैं ना कि इट्स लाइक अ सरेंज मॉडल बड़ा पुराना मॉडल है कि जी अ इट हैज एन इंजेक्टेबल है इफेक्ट ऐसे लोगों पे असर होता है जैसे इंजेक्टेबल इफेक्ट है फ़ौरन असर हो जाता है उनके ऊपर उन चीज़ों का आप ना एक तो सिर्फ ड्रामों की स्टोरी नहीं आप मॉडलिंग में देख लें आप फैशन में देख लें आप अच्छा बाहर निकलें मीडिया से सोशल मीडिया पे चले जाते हैं इंस्टाग्राम पोस्ट और फेसबुक सारा वक्त स्क्रोल 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 मुझे ये तो लगता है कि एक ऐसा लेंस डेवलप हो चुका है जिसमें जब लोग शीशा देखते हैं स्पेशली खातन तो उनको अपनी शक्ल नज़र नहीं आती है, सिर्फ ख़ामियाँ नजर आती हैं और वो ख़ामियाँ क्यों नज़र आती हैं कि ओहो यहाँ निशान है ओ ये क्यों You can, all the time, it is a media through those billboards, through the advertisement, through Instagram page. All the time, you see uh, anti aging, flana wrinkle, you know, uh, flawless skin, flawless body. There is a flawless image which is put over there mm -hmm. by all the media social media, your media, digital media, whatever media, electronic media. It is there. And then she spends her entire life into coming up to that photoshopped image. Uh, और अपनी बाकी साथ के सारे कंपार्टमेंट्स को सारी चीज़ों को भूल जाती है तो इतना ओवरवेलमिंग इफेक्ट है इसका और टीन के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा है सो so, मेरा ख्याल है कि हाई टाइम के मीडिया में कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म भी हो वो दिखाएं जो कुछ वो सेल करना चाह रहे हैं लेकिन जैसे शिरकत गाने प्रोग्राम की है मेन स्ट्रीम मीडिया को भी चाहिए कि स्टूडेंट्स को लेकर आए कितनी दफ़ा होता है कि हमें टीवी पे स्टूडेंट्स के प्रोग्राम नज़र आते हैं आपको कोई एक्डमिशन नज़र आता है आपको कोई राइटर नज़र आती है बच्ची जिसकी भी किताब प्रिंट हुई है सेंसेशनलिज्म बहुत आता है बच्चे इतना सोशल वर्क करते हैं कितनी दफ़ा हुआ है कि आपने किसी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन को बुला के उस पर प्रोजेक्ट किया तो बहुत बुरा हाल है hmm. मैम uh, दो पर्सपेक्टिव्स मीडिया के बारे में पाए जाते हैं एक ऑनर्स की तरफ से और एक ऑडियंस की तरफ से जो ऑनर्स है वो ये कहते हैं uh, क्योंकि हम बेचने के लिए बैठे हैं सो वी सेल जिसकी डिमांड है और ऑडियंस की तरफ से अगर हम देखें हम कहते हैं कि ये कंटेंट आ रहा है उसका ये इम्पैक्ट है ऑडियंस कहते हैं हमें अवेलेबल ये है और हम देखते हैं इसको इस तरह तो एज अ सोशियोलॉजिस्ट आप इन दो परस्पेक्टिव से मीडिया को कैसे देखती हैं फोकसिंग द पोर्ट्रियल ऑफ वेमन बाई मीडिया ओके सो यह दिस इज़ कॉल्ड अ प्लूलिस्ट अप्रोच और वो कहते हैं कि नहीं हम जो है ना प्रोड्यूसर्स जो हैं हम जो मीडिया ओनर्स हैं वी आर देयर टू सेल वॉट एवर ऑडियंस वॉन्ट टू वॉच एंड इट्स अ कम्पेटिटिव मार्केट इट्स अ प्राइवेटाइज मार्केट एंड वॉट एवर सेल्स बेटर वी आर गोइंग टू शो दैट जो भी लोग देखना चाह रहे हो लेकिन मेरा पूछना ये है कि आपने शेल्फ के ऊपर अवेलेबिलिटी किन चीज़ों की रखी है चीज़ें ही आपने पांच उठा के रख दी हैं तो वो वही उन्हीं में से कुछ उठाएंगे ना आपने ऑप्शन कौन सी दी है या आपने इनोवेशन के नाम पर कौन सी चीज़ देर आर ऐसा नहीं है कुछ प्रोग्राम कभी ऐसे आते हैं कोई टॉक शो भी ऐसा आता है और वो वेलकम होते हैं दे आर मच वेलकम बाय दी ऑडियंस एंड दे डू ब्रिंग अ चेंज मगर वो इतने कम है इतने आटे में नमक के बराबर है कि उसका इम्पैक्ट शायद बहुत ही कम होता है सो इट इज़ अबाउट कि आप फ्रीडम ऑफ़ सारी बातों फ्रीडम ऑफ चॉइस की आती है ना आप ऑडियंस को कितनी फ्रीडम ऑफ़ चॉइस दे रही हैं आपने सारी चीज़ें दिखा दी अब ऑडियंस पसंद क्या कर रहे हैं तब आप कोई कहें वो चीज़ें आ ही नहीं रही हैं वो अवेलेबल ही नहीं है और वो एक इतना ज़्यादा पेट्री आर्कल प्रस्पेक्टिव है एक शदीद पेट्री आर्कल परसपैक्टिव है इतना पेट्री आर्कल है कि अब आप उसमें उस आपको मिसौज नज़र आती है औरतों से बाकायदा कम तरीके का नज़र आता है टॉक शोज़ में बैठ जाएँ आप ड्रामे में देख लें मजाक देख लें लैंग्वेज डिस्कोर्स देख लें अखबार उठा के देख लें तो कहाँ वो चैलेंज हो रहा है कहाँ उसके ऊपर बात हो रही है हाँ वहाँ बात हो और कोई ना सुने तब बात करें ना कि बात नहीं हो रही है तो मेरा खाली इसकी तो और ये ये एक ओवरऑल फिर आपका माइंड सेट बन जाता है सोशल मीडिया के ज़माने में हम जिंदा है टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के ज़माने में हम जिंदा है तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें चेंज नहीं होती हैं चीज़ें मीडिया के थ्रू चेंज भी की जा सकती हैं मुझे आ, आप बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि कभी इस्तेमाल नहीं होती थी mm -hmm. और मीडिया ने उन क्यूँ नो आप उसको इंट्रोड्यूस करा, करा करा के वो आइडियाज़ अब वे डू गेट यू नो दस प्रोडक्ट्स गेट पॉपुलर आइडियाज ऑल्सो गेट पॉपुलर लाइक दिस आप इनोवेशन लेकर कर आएँ फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम नॉट वेरी पेसेंट और ब्लीक अबाउट इट आप कुछ एड्स देखें एक दो एड्स ऐसे हैं जो जेंडर स्टीरियो टाइप्स को ब्रेक करते हैं mm -hmm. यानी कि कितनी नॉर्मल सी बात है ना कि मियाँ भी घर में पानी उठा के दे सकता है या खाने की प्लेट उठा सकता है बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता तो उसको ग्लोरेफाई किया जाता है तो चलो शुक्र है एटलीस्ट कोई दिखा तो रहा है तो आ, वो वो एड बहुत पॉपुलर होते हैं लोग लोग उनको बहुत अप्रीशिएट करते हैं स्पेशली नई जनरेशन उनको कहते हैं कि हाँ शुक्र है यार कोई अच्छी चीज़ भी दिखा रहे हैं आई थिंक वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऐड होते हैं पीपल डू वॉन्ट टू वॉच इफ़ यू गिव दैम द फ्रीडम ऑफ चॉइस बिल्कुल और मैम मेरा लास्ट सवाल आपसे ही हो होगा उससे पहले मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देना चाहूंगी हमारे में ना लोगों की जैसे फेमिनिज्म है ये एक बड़ा गाली किस्म का लफ्स है लोगों के नज़दीक बिकॉज उन्होंने इसको पढ़ा नहीं है या मीडिया ने भी उस तरह से दिखाया कुछ लोगों ने अपने तौर पर एफर्ट नहीं किया उसको समझने की तो लोग इसको एसोसिएट करते हैं वलगारिटी के साथ और अक्सर मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट वग़ैरह देख रही होती हूँ मतलब हाफ ड्रेस्ड वेमेन या फिर आइटम नंबर करने वाली वेमेन वो लगा के ये फैमिली स्टोरते हैं ये है वो है और इसके साथ ही मैंने कामला भसीन जो कि एक साल पहले उनकी डेथ हुई है बड़ी वेल नॉन साउथ एशियन फेमिनिस्ट थी उन्होंने उनका भी मैं थोड़ा सा इसमें हवाला देना चाहूँगी उन्होंने कहा कि फेमिनिज्म तो इसके अगेंस्ट है ये ऑब्जेक्टिफिकेशन है और फैमिनिज़्म जो है वो औरतों को एक बराबर इंसान का दर्जा देने की बात करता है ना कि आप औरत को बेचें अपनी फ़िल्म को आगे बढ़ाने के लिए तो आप इस पर क्या व्यूज़ रखती हैं मतलब फेमिनिज़म वलगारिटी और जो फेमिनी स्टौरते होती हैं वो वलगर होती हैं हमारा मीडिया हर जगह मतलब यही चीज़ को पोर्ट्रे करता है तो वो इसलिए मैंने कहा कि मीडिया में तो फैक्चुअल रिपोर्टिंग नहीं होती सेंसेशनलिज्म होता है क्योंकि इस किस्म के इमेज़ बहुत जल्दी सेल होते हैं <laughs> तो इसलिए तो मेरे नज़दीक तो फेमिनिज़म गायनी के उस वार्ड से शुरू होता है मुझे जब तक याद है कि मेरी बे, चौथी बेटी थी और ना वेंट फॉर एन अल्ट्रासाउंड इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग आपको प्रेगनेंसी में कराना होता है ना आस्था डॉक्टर Uh, कि जेंडर क्या है तो उससे मैंने कहा पहले कितने बच्चे है? तो का हैं तो मैंने कहा बेटियाँ तो उसने कहा कि बेटी है अच्छा मेरा एक बहुत एलर्जी का इशू है कि मैं कहीं भी, भी जाऊँ हमेशा थोड़ा सा ना जो स्नीजिंग होती है तो uh, मैंने अच्छा मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मैंने दोनों बहुत केसेस सुन रही थी कि ग्रोथ इश्यूज होते हैं बच्चों के फीटस में और इस किस्म के आप चीज़ें पढ़ रहे होते हैं तो मैंने कहा आप अच्छी तरह देख लें कि उसका ग्रोथ इशूज़ उसके वीक उसकी सारी चीज़ें कि सारा आ, जो भी डेवलपमेंट का वो जो एक होता है जो नो ऑल दो थिंग्स दे शुड मैच और साथ ना है ना मैसा देखा मुझे अब तक याद उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा पड़ी ये डॉक्टर हैं सर कोई बात नहीं अच्छा तो मैं अल्ट्रा साउंड मैंने मुझे बताया कि बेबी गर्ल है अच्छा साथ साथ मैं ये भी बता दूँ कि मुझे एलर्जी का इशू है मैं जब भी कहीं जाऊँ तो तीन चार मिनट के लिए जरूर मेरी आँखों में कई दफ़ा पानी या हल्की सी मुझे वाइप करना पड़ता है कई दफ़ा जो है ना नाक को या आँख को हल्का सा आ, मैं साथ -सा टिशू इस्तेमाल करी तो उन्होंने मेरे कंधे पर डॉक्टर साहबा ने हाथ रखा और कहा तुम ठीक हो मैं समझी मेरी एलर्जी का पूछी मैंने कहा हाँ वो आई थिंक आपके यहाँ पर ना नई पॉलिश हुई हुई है तो मैं कहती है अल्लाह बेहतर करेगा एंड देट वॉज अ टाइम आई बर्स्टेड आउट डाउट के आप क्या कह रही हैं और मुझे अब तक याद है कि उससे ज़्यादा मैंने कभी ज़िंदगी में मुझे एहसास नहीं हुआ कि इस माशरे में ये एक्सेप्टेबिलिटी का हाल है कि एक बच्चा पैदा नहीं हुआ हुआ और आपने बता दिया है कि वो कितना एक्सेप्टेबल है या कितना वेलकम्ड है ये मैं माशरे की बात करी बहसियत है तो पेरेंट हम तो बहुत खुश थे हमारे दिमाग में दोनों के जेंडर नाम का न्यू का कोई कीड़ा नहीं था ऐसी कोई दिमाग में बात नहीं थी ऑल वी वॉन्टेड इज़ इज़ अ हेल्दी चाइल्ड यू नो एंड तो आप फेमनिज़म की बात कर रहे हैं पैदा होने से पहले ही उस बच्ची के बारे में हुआ hmm. uh, और मुझे याद है कि जब वो पैदा हुई जो नो आप पता थे नहीं दूसरी तीसरी थी बेटी तो मैंने इससे कहा कि जब मेरी बेटी किधर से कहा ठहर जाए ठहर जाए अभी दिखाते हैं तो मैं कहा आपसे क्यों नहीं दिखा रहे हैं फिर ना मुझे याद है कि मुझे उसे कहना पड़ा मुझे मेरी बेटी दिखाएं आई स्टिल रिमेंबर मैंने इस चीज़ें मेथी उस तरह से कहा ओ होने तो पता है hmm. आप बात कर रहे हैं फेमिनिज़म की और आप इक्वालिटी की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमारे माशरे में औरत को ऐसा कोई मसला नहीं है ये मसला वो अभी पैदा हुई होकर ना एक घंटे की नहीं होती ये मसला वहाँ से आता है hmm. कि कितनी अनएक्सेप्टेबिलिटी है उसकी प्रस्टीज किधर है उसका स्टेटस किधर है इसका ताल्लुक मज़हब से नहीं है इसका ताल्लुक़ दिमाग से है, जो सोशली लोगों ने बिठाया हुआ है तो जो फेमनिज़म बात करता है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है वो इस स्टेटस की बात करता है वो इज्जत की बात करता है जब आप वलगारिटी और सेक्शुलाइजेशन को लेके आते हैं वो बिल्कुल अपोज़िट है फेमेिज़म के क्योंकि वो जो चीज़ है वो बहुत उसको हम कहते हैं मेल लेंस कि आप औरत को मेल लेंस से प्रेजेंट करना चाह रहे हैं यानी कि मर्द औरत को कैसे देखना चाहता है ग्लैमरस पनोग्राफिक इमेजेस सेक्शुअलाइज इमेजेस परफेक्ट फोटोशॉप्ट इमेज़ज कमरशल इमेज दोज हु विच आर सेलेबल इमेजस उसको तो हम उलट कहते हैं हमारे फेमेज़म के जितने ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं दुनिया में उनमें सारी फेमेनिस्ट जो हैं वो उनके खिलाफ बड़े मुजाहरे होते हैं कि यू आर जस्ट यूजिंग फीमेल बॉडीज़ एज एन ऑब्जेक्ट व्यू औरत देखने की चीज़ नहीं है कि वो जानवर आपने बना लिया जानवरों को भी जू के भी खिलाफ अल्लाह का शुक्र है कि अब कैम्पेन्नी शुरू हुई हैं तो आ, औरत को एक ऑब्जेक्टिफाइड इमेज नहीं है औरत सेक्शुलाइज्ड इमेज नहीं है औरत एक इंडिविजुअल है जीता जागता इंसान है जिसका जहन है रिप्रोडक्टिव बॉडी है क्रिएट करती है ये उसकी स्ट्रेंथ है तो इसलिए आई थिंक बिल्कुल गलत समझा जाता है और ये वो लोग समझते हैं जो कि फेमनिज़म को टी और यूट्यूबर एंड आई एम नॉट अगेंस्ट यूट्यूबिंग आई एम अगेंस्ट दोज सेंसेशनल वर्क द दैलो जर्नलिज्म और उसके थ्रू सो समी आसमी के ये जो औरतें सड़कों पर निकल आती हैं तो मैं कहा पहले तो अपनी लैंग्वेज ठीक है वॉट यू मीन सड़कों पर निकल आती है इट्स ऐ कॉन्स्टिट्यूशन राइट वो जो एहताज करते हैं अगला सब बात पूछे मैंने कहा कि कोई शरीफ औरत वहाँ जाए मैं कहा मैं गई थी अपनी बच्चों के साथ तो नास्के डेड यू गो नहीं आप गए भी नहीं आपने देखा भी नहीं और आपने बस एक मफरूज़ा बना लिया तो ये तो भुतान भी है फिर गए बगैर आपने एक झूठ बात घड़ ली अपनी तरफ से आप सुनी सुनाई आपने चार पोस्ट देखी है और आपने नीचे क्योंकि हमारे यहाँ तो वो बहुत है अब येलो जर्नलिज्म के अलावा हमारे यहाँ फेसबुक और इंस्टाग्राम इंटेलेक्चुअलिज्म बहुत ज़्यादा है लोग पोस्ट देखते हैं और वो अपना ओपिनियन बना लेते हैं ना वो असल वाक़े में मौजूद होते हैं ना कुछ पता होता है और लिख लेते हैं तो फेमनिज़म इज़ अबाउट इक्वालिटी फेमिनिज्म इज़ अबाउट वाई यू एंड आई आर सिटिंग है दाखिले मिलने की इजाज़त हुई वोट कास्ट करने की इजाज़त मिली हम औरतों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात हुई डे केयर सेंटर्स खुलने चुले ये सारे के सारे फेमिनिस्ट मूवमेंट्स का नतीजा है कि इनके ऊपर बात होती है ये सेक्शुअलाइज डेमेज़ का नतीजा नहीं है तो इसलिए कुछ खातन भी कहती हैं मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ तो अगर आप फेमेस्ट नहीं हैं तो फिर आप वोट भी मत डाल ले जाएँ आप बिल्कुल पढ़ाई मत करें आप जॉब के लिए भी ना जाएँ क्योंकि दुनिया में ये जितनी चीज़ें हुई हैं ये फेमिनिस्ट स्ट्रगल्स के बाद हुई हैं बहुत औरतों ने स्ट्रगल किया बहुत मुजाहरा किया तो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है तो इक्वल अपॉर्चुनिटी इस फैमनिज़म ओके थैंक यू सो मच फैमन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस योर टाइम हमारे ऑडियंस के लिए मेरा ये मैसेज है कि इस पेट्रियार्कल सेटअप में हम जहाँ पे जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं वहाँ पे हमारी ख़वात का मुठे धोना बहुत ज़रूरी है अपने हकूक़ के लिए सिस्टरहुड का कयाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जितने भी हमारी विमेन व्यूअर्स हैं Uh, इस पॉडकास्ट की uh, मैं चाहूँगी कि मेरा ये पैगाम उन तक पहुँचे कि जब हम यूनाइटेड होंगे तभी हम स्मैश कर सकेंगे उन तमाम डिस्क्रिमिनेशंस को जो इस स्ट्रक्चर ने हमारे आगे खड़ी कर दी हैं हमारे लिए पैदा कर दी हैं सो सी यू इन दी नेक्स्ट एपिसोड अल्लाह हाफि